कोई गरीब के साथ ऐसा भी करता है, अब आप लोग खुद देख लो, ये बेचारा बूढ़ा शख्स यहाँ से जा रहा होता है, कोई जानबूझकर इसके रिक्शे में टक्कर मार जाता है और इसकी सारी सब्जियां बिखर जाती हैं, सारा रिक्शा जो है टूट जाता है। और बाद में हमारे सीनू भाई आते हैं, सीनू भाई इस बूढ़े शख्स की मदद करते हैं, सारी सब्जी उड़वाते हैं, रिक्शे को सीधा कराते हैं और बाद में अपनी स्कूटी पर बिठाकर न्याय की दुकान पर लेकर जाते हैं और इस बूढ़े शख्स के बाल कटवाते हैं, सेविंग कराते हैं और बाद में कपड़े भी दिलाते हैं। और कपड़े खरीदने के बाद देखो ये कितने खुश हो रहे हैं। खुश होने की इसकी अलग ही वजह है, क्योंकि इन्होंने आज से पहले इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहने थे। और बाद में देखो सीनू भाई जो है आइसक्रीम दिलाते हैं और ये बूढ़ा शख्स देखो कितनी खुशी खुशी आइसक्रीम खा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। और बाद में सीनू भाई देखो इस बूढ़े शख्स को नई ठेली दिलाते हैं, नया रिक्शा दिलाते हैं और बाद में देखो कुछ पैसे भी देते हैं खर्चे के लिए। देख लो सब लोग एक से नहीं होते हैं। उन लोगों ने इस बूढ़े शख्स का रिक्शा तोड़ दिया जानबूझकर टक्कर मारकर, पर सीनू भाई ने कितनी मदद करी। अभी तक आपने सीनू भाई की वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।